मुझे पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ। ओ माय गॉड भाई अपनी ट्रैम आ गई है। ये उसके ऊपर वाला रूम क्या फील है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस शिप के अंदर जाने। हाय गाइस, द्रोणवर्ती है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज का दिन जो है वो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट मुझे पता नहीं है अभी तक। पहले मैंने सोचा था कि जाऊँगा वॉल क्लाइंबिंग के लिए, बट अभी तक मेरा शोल्डर है थोड़ा सा अभी रिकवर होना बाकी है, तो 2-4 दिन बाद मैं जाऊँगा वॉल क्लाइंबिंग के लिए। तो आज के लिए तो अभी तो निकल रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि किधर जाना है। जस्ट सो दैट मुझे याद रहे यहाँ कमर्शियल व्हीकल पार्किंग है 7 AM till 4 PM, तो अभी मैं पार्क कर सकता हूँ। और अच्छा हुआ कि मैं निकल गया घर से, और आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना आप लोग के लिए, मैं देखते रहना, मज़ा आने वाला है। अभी के लिए तो आप लोग इतना ही जान लो कि मैं जा रहा हूँ रोजवेल्ट ट्रैम आइलैंड में, और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। मैं जो देखूँगा आप लोग को दिखाऊँगा, और आप लोग देखना मेरे साथ साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर मैं सोचा न्यूयॉर्क जाता हूँ और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अभी आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैं एडिसन गया था, वहाँ पर मुझे ट्रकर्स, अभी मुझे यहाँ पर मिले वो लोग, और शायद ATM ढूंढ रहे हैं नीचे, वो जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ मुझे इतना पता है कि इसका नाम है रोजवेल्ट ट्रैम, राइट? भाई अपनी ट्रैम आ गई है। हॉर्न कौन मार रहा है, नीचे से मार रहा है कि ये मार रहा है? क्या बात है, बहुत लोग फिट हो जाएंगे अंदर यार। ड्रोन तो बहुत बार उड़ाया मैंने ऐसे, बट ये जो फील है ना अलग ही है यार। वाह क्या बात है यार, वैसे तो हाइट से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आज नहीं डर लग रहा है। तो जैसा बोल रहा था मैं आपको, फिर वहाँ पर जब मैं टिकट ले रहा था सब लोग मिल गए थे मुझे, एडिशनल मिले थे। की हाल चाल है? बढ़िया। अभी ये लोग यहाँ पर आते, गड्डी पार्क की थी? बीमर, अच्छा बीमर, हाँ तो सीधा करे जाना पिछले गाड़ी लेके अभी सीधा न्यू जर्सी घर जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो मैं जहाँ पर था पहले वो था मैनहट्टन, अपर स्ट्रीट बोलते हैं मैनहट्टन, और अभी जो मैं यहाँ पर आया हूँ ये एक आइलैंड टाइप है यहाँ पर न्यूयॉर्क के बीचों बीच में, रोजवेल्ट आइलैंड बोलते हैं यहाँ पर। और ऊपर ये ब्रिज जा रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है। ट्रैम बनी हुई थी पूरी, उसमें लाइक 50-55 लोग वहाँ पर अंदर आते थे, बट अभी तो शायद कोविड की वजह से बहुत कम लोग थे, बट इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये रहा रोजवेल्ट आइलैंड, और यहाँ से अगर फेरी लेते हैं तो एस्टोरिया भी जा सकते हो, लॉन्ग आइलैंड भी जा सकते हो। और पहले जब मैं बैठा ये ट्रैम में, मुझे लगा कि कम से कम 10-15 मिनट की राइड रहेगी, बट नहीं, ये तो मतलब 5-6 मिनट में ख़त्म हो गया, बट वर्थ इट। $3 आने का, $3 जाने का, $6 टोटल मेरा लगा है। अगर कम्यूट कर रहा रहता है लोगों को, बहुत सारे जो लोग काम करते हैं यहाँ पर, अगर रोजवेल्ट आइलैंड आना है या यहाँ से वहाँ जाना है, तो बहुत आसान तरीका है, टाइम सेविंग है। अगर यही मैं गाड़ी में जाता तो शायद मुझे 15-20 मिनट लग जाते, और इसमें 5 मिनट लग गए और विदाउट एनी हैसल्स। चलो भाई यहाँ से निकल चुके हैं, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए। ये रहा रोजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे, इसीलिए मैं किधर भी पार्क नहीं करता हूँ। ये देखो भाई साहब इधर खड़े हैं, दी जा रही है टिकट यहाँ पर। हाउ मच इज अ टिकट इफ वी पार्क हियर? 115। यहाँ पर मैंने 7:40 तक का टाइम ले लिया है, मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ 1 Vanderbilt ऑब्जर्वेटरी, और मुझे जितना हाइट से डर लगता है उतना ही मैं ऊंचाई पे जाता रहता हूँ। और यहाँ पर अभी आने के लिए आपको वैक्सीनेशन कार्ड, ID, और फिर आपने देखा जो भाई साहब बोल रहे थे मेरे को, पहले मैं यहाँ से अंदर घुसा तो उन्होंने बोला अपना कैमरा मुझे दे, और वापस से वापस जाके
Hi guys, welcome to Summit One Vanderbilt. Oh, it's an immersive experience. It's a 3-level observatory deck, and it's completely immersive sound and visuals. You just need to put these over your shoes. This is for shoes? Yeah. पूरा एरिया ऊपर जाने के बाद पूरा कांच का है, तो पहले ही इन लोगों ने शूज के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई जूतों का मास्क पहन लो। भाई अलग क्या फील है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेसशिप के अंदर जाने वाला हूँ यार। क्या फील है, वाइब देखो यहाँ का, अलग ही फील है यार। थैंक यू। अभी हम लोग आए हैं 91st फ्लोर पे, 0 to 91, पता नहीं 6-7 सेकंड में पहुंच गए रहेंगे। ओहो कहाँ लेके आ गए भाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं एक स्पेस में आ गया। ओह माय गॉड, ये आप लोग को मैं पूरा नेचुरल फील दूंगा, एकदम नेचुरल फील। जो भी मैं जैसे भी जिधर भी जा रहा हूँ, एडिट नहीं करने वाला हूँ, ये ऐसे ही जाने वाला हूँ मैं। ओह My God, oh my God, oh my God, oh my God, oh हो कैसे जाओ यार, मेरे को हर चीज़ इतना डर लगता है। और ये कांच है नीचे बना हुआ, तो मेरी तो फट गई है अभी, मुझे पता नहीं है। और कोई भी आना चाहता है, $60 यहाँ की टिकट है। देखो भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे जाना है वहाँ, मुझे डर लग रहा है, मतलब एकदम सेफ है, एकदम सेफ है, डरने की कोई बात नहीं है। बट फिर भी यार पता नहीं मेरी क्यों फटती है इतनी, फट्टू चंदू मैं एक नंबर का, हाइट से पता नहीं इतना क्यों डर जाता हूँ। चलो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा और थोड़ा मेरा डर निकल जाए। सॉरी, माय गॉड क्या फील है यार इस जगह का। व्हाट्सअप, क्या ये एक फ्लोर है और आगे से राइट लेके और एक फ्लोर आता है, उसके ऊपर और एक फ्लोर है, वहाँ पर भी जाके देखते हैं। बट उससे पहले मेरी जंग ये है कि मुझे वहाँ तक जाना है। मैं जा सकता हूँ लेकिन मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। ओह माय गॉड क्या फील है यार जगह का। और न्यूयॉर्क में अभी बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेटरी खुल रही हैं, बनी हुई है, जैसे कि एच वो भी ऐसा ही है, और एक है ये वाला वन वैंडरबिल्ट समिट, और इसके आगे ऊपर सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर जाके देखते हैं। जिस किसी बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट ने बनाया है, स्टेनलेस स्टील है। कैन वी टच इट? नो वी कैन, टच भी नहीं कर सकते। और ये उसके ऊपर वाला रूम, क्या फील है यार। ऊपर वाला सेक्शन है ना, थोड़ा सा छोटा है, बट यहाँ पर ये कूल से बलून है, अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। ऐसा बाथरूम तो मैंने आज तक नहीं देखा होगा, ये मेंस बाथरूम है। और बाथरूम देखो कहाँ पर है, ये रहा बाथरूम। पता है आज के वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए था? द कूलेस्ट बाथरूम इन द वर्ल्ड। देखा बाथरूम कितना कूल था, सुपर। देखो भाई जिस दिन कुछ प्लान करके ना निकलो ना, उस दिन जो वीडियो बनती है ना, उसका अलग ही स्वाद आता है। तो आज जो स्वाद आया ना मुझे वीडियो बनाने में, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। देखो भाई अभी जो फाइनल टास्क ये है मेरा कि मुझे यहाँ पर आना है, और ये पूरा कांच है और यहाँ पर खड़ा होना है। फाइनली मेरी टर्न आने वाली है, और ये रहा। पीपल कम एंड दे डोंट लाइक, दे वांट टू गो एंड देन गो, दे डन दैट, वन ऑफ मी, बट आई विल डू इट टुडे।
यहाँ पर जाना है, यहाँ पर खड़े होना है और आप लोग देखो भाई मेरा टाइम आ गया है और मैं ये रहा नीचे और मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आस्ते आस्ते जा रहा हूँ यहाँ देखते देखते आप लोगों को। ये देखो ओ माई गॉड भाई, मुझे इतना ही पता है, इससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता। दैट्स इट, आई एम स्केयर्ड। एक बार जाने की कोशिश करता हूँ, नीचे नहीं देखता हूँ, ऐसा ऐसा करके आस्ते आस्ते करके जाता हूँ। वैसे भी चल के तो लोग जा रहे थे पर मैं से चला चल भी नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ हाइट्स यार गाइस, आई कांट डू दिस। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है बट क्या है ना कि मैं जा रहा हूँ ना, मैं पैर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पैर उठ नहीं रहा है, मैं ऐसा ऐसा घसड़कुंडी करके जा रहा हूँ। बीस मिनट मैं वहाँ पर लाइन में खड़ा था लेकिन वो जो हाइट वाली जगह थी जहाँ से नीचे देखना था, वो ग्लास वाला जो प्लेटफॉर्म था वहाँ से नीचे देखना था, वो कर नहीं पाया यार मैं। और वहाँ पर इतनी लाइन मेरे पीछे भी लगी हुई थी कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि वहाँ पर 5 मिनट रुकूँ और फिर हिम्मत जुटा के जाऊँ, हुआ नहीं। हाँ बहुत गुस्सा आता है मेरे को ऐसे टाइम पर। और जिसने भी ये जगह बनाई है ना बड़े स्मार्ट तरीके से बनाया, और डेफिनेटली जो आर्किटेक्ट रहेगा, क्योंकि मतलब आप म्यूज़िक सुनोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि आप स्पेस में हो। और यहाँ पर एक ऐसा डेक भी है ओपन आउटडोर, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और ये सबसे टॉप फ्लोर है, यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा। यहाँ पर बैठो, रिलैक्स करो, चिल करो और नज़ारा देखो। दिस इज फीलिंग, फुल फील है यार जगह का। तो भाई यहाँ पर लोग आएंगे, डिनर करेंगे, वाइन शाइन पियेंगे, बट मैंने ये एक चॉकलेट ली है छोटी सी, ये खाता हूँ यहाँ पर बैठ के। अच्छा how are you? My name, nice to meet you. I'm from Brooklyn, but now I live in the city. Nice to meet you. My name is Joshua Molin. Nice meeting you. Nice meeting you too. How you doing? Wherever you're from, nice meeting you. Thank you. He's got good dessert. He's gonna share some with me. Yeah, sure. Have fun. कोई भी इधर आता है ना, please ये try करना, salted caramel chocolate tart. बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है जो यहाँ पर काम कर रहा है, मस्त बात की उसने प्यार से अच्छे से। मैं घूम गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, बट ये बंदा देखो, ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का। और भाई साहब को नींद आ गई इधर, पता नहीं नशा किया है, दारू पिए, क्या है पता नहीं। तो कल होना हो का एक अपने पार्ट तो मेरे साथ देखा कि जब वो गाना हुआ कल होना हो का सेंट्रल पार्क में। और ये स्टेशन अगर आप लोगों ने मूवी में देखा तो आप लोगों को पता रहेगा, जब शाहरुख खान और रानी मुखर्जी शायद जुदा होते हैं या मिलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आया तो मेरे दिमाग में अभी ऐसा वो सीन आ गया। तो ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यहाँ से दूर दूर ट्रेनें जाती हैं। इसके नीचे है सबवे, जो कि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में अंदर अंदर ही घूमना है तो सबवे नीचे है। एक फटाफट आपको बीरोल बना के दिखा देता हूँ। इतना साफ सुथरा और इतना एंटिक टाइप का स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। सीरियसली मैं न्यूयॉर्क में इतना टाइम से रह रहा हूँ, बट अच्छा हुआ आज भूले भटके 3 चीज़ें मैंने डिस्कवर कर ली। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। माय गॉड सीरियसली सो गुड। मैं सच में बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि इतनी ठंड में ये कबूतर भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे। तो घर से निकला था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट आज मैंने 3 चीज़ें अच्छी तरह से कवर कर ली और मैंने भी देख ली और आप लोगों को भी दिखा दी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये जो न्यूयॉर्क का मिनी दर्शन कैसा लगा। एंड वीडियो को इधर तक ही रखूँगा एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके आना, कॉमेंट एंड लाइक तो बनता ही है। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।